हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मधु शर्मा एट द रेट 60। आज हम क्लास 5 का साइंस का एक लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिनमें से एक होता है नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के जो मेन पॉइंट्स हैं, हम इस लेसन में क्या क्या कवर करेंगे। फंक्शन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ नर्वस सिस्टम, फंक्शन एंड पार्ट्स ऑफ ब्रेन, रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, टाइप्स ऑफ नर्व्स, रिफ्लेक्स एक्शन, सेंस ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये सारे हमारे मेन पॉइंट्स हैं इस लेसन के जो हम पूरे लेसन में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज नर्वस सिस्टम, ये है क्या, नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले ये व्हाट इज नर्वस सिस्टम, इसकी डेफिनेशन, अ सिस्टम दैट कंट्रोल ऑल बॉडी पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो ब्रेन की सहायता से पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है उसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा नर्व्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, वो है ब्रेन, और ये हमारे सिर में होता है, जो स्कल है, हड्डी है सिर की, उसके अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। फिर आप सेकंड वाला देख रहे हो स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्लू कलर की लाइंस हैं वो बीच में, उसके सेंटर में देखो आप, ये जो रेड ब्रेन से कनेक्टेड रेड कलर की मोटी वाली लाइन दिख रही है वो है स्पाइनल कॉर्ड, और ब्लू वाली जो लाइन्स हैं वो हैं नर्व्स। तो अब हम इन तीनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। द ब्रेन, इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी, ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी सेल्स कॉल्ड द न्यूरॉन्स, ये बहुत छोटे छोटे सेल्स से बना हुआ है जिनको कहते हैं न्यूरॉन। ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय द बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्कल, एक स्कल, खोपड़ी जिसे हिंदी में कहते हैं, ये उसके अंदर प्रोटेक्टेड है। और ब्रेन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला, ये ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं। तो अब ब्रेन कहाँ है, देखो आप इस डायग्राम में, जो हमारा सिर होता है, हेड होता है, उसके ऊपरी भाग में एक हड्डी है, स्कल है, और उसके अंदर ये ब्लू कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है एक बड़ा सा पोर्शन ऊपर है, उसके बीच में एक गोल सा सेंटर में लगा हुआ है वो सेरिबेलम है, और हमारी जो गर्दन में से जाता है वो मेड्यूला है। देखो आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है सेरिब्रम, और ये जो नीचे इसके बीच में एक गोला लगा हुआ है वो है सेरिबेलम, और पीछे गर्दन की साइड में जो हिस्सा लंबा सा लटका होता है उसे कहते हैं मेड्यूला। तो ये ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं। अब ये पार्ट्स ऑफ ब्रेन को हम अलग अलग इसके फंक्शन देखेंगे। सेरिब्रम क्या करता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लर्न, थिंक, रिमेम्बर, कुछ चीज़ याद करना, कुछ समझना, ये इस काम में सेरिब्रम हेल्प करता है। सेरिबेलम क्या करता है, जो हमारी जितनी भी मसल्स हैं बॉडी में, और मेंटेन बैलेंस, हमारी बॉडी का जो बैलेंस होता है, जब हम खड़े होते हैं तो गिरते नहीं हैं, छोटा बच्चा होता है वो खड़ा नहीं हो पाता, लुढ़क जाता है, गिर जाता है, क्योंकि उसमें सेरिबेलम ठीक से डेवलप्ड नहीं रहता। और मेड्यूला क्या करता है, इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे पेट के अंदर की मसल्स, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स, ये वाली जो मसल्स होती हैं वो जो अपने आप चलती हैं उनको इनवॉलेंट्री कहते हैं, उनको कंट्रोल करता है कौन, मेड्यूला। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स हो गए, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला, और तीनों का फंक्शन अलग अलग होता है। तो ये ब्रेन हमारा एक ऐसा पार्ट है बॉडी का कि अगर ये ठीक से चलता रहे तो पूरी बॉडी ठीक से चलती रहती है, और अगर इसमें कहीं भी खराबी आई तो बॉडी का सिस्टम बिगड़ जाता है। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है मेड्यूला। हाँ, मेड्यूला जो है वो थर्ड पार्ट है जो कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री मसल्स को। हाँ, तो जो हम ये जो तीन पार्ट्स होते हैं ब्रेन के,
वो तीनों अलग अलग फंक्शन करते हैं। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट आ रहा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम, इट इज प्रोटेक्टेड बाय बैकबोन। ये जो लंबा सा ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है जो हमारे जो नर्वस सिस्टम का, जो हमारी बैकबोन के अंदर भरा होता है, अंदर से जाता है, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इट इज प्रोटेक्टेड बाय बैकबोन, ये बैकबोन के अंदर रहता है और प्रोटेक्टेड रहता है। इट कनेक्ट ब्रेन एंड नर्व्स, ये ब्रेन और नर्व्स को आपस में कनेक्ट करता है। अब तीसरा है हमारा नर्व्स, ठीक है। पहले हमने पढ़ा ब्रेन, फिर हमने स्पाइनल कॉर्ड, अब हम पढ़ेंगे नर्व्स। फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट ब्रेन एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो छोटे छोटे पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी से कनेक्टेड रहते हैं। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ नर्व्स। नर्व्स तीन तरह की होती है, फर्स्ट सेंसरी, दूसरी मोटर नर्व्स और तीसरी इंटर न्यूरॉन। तो ये सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं, मैसेज ले जाती है ऑर्गन से ब्रेन की तरफ, ऑर्गन्स से ब्रेन की तरफ मैसेज ले जाती है। यानी कि अगर हमें कोई दर्द महसूस हो रहा है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, हमारी स्किन पर कोई भी इफ़ेक्ट हो रहा है, तो वो उसका मैसेज ब्रेन तक पहुंचाती है, ये सेंसरी नर्व्स। फिर ब्रेन जो हमें ऑर्डर करता है वो मोटर नर्व्स से करता है। मान लो हम चलते चलते हमारा पैर किसी पत्थर पर पड़ गया, तो हम पैर से नर्व्स ने मैसेज भेजा ब्रेन को कि चोट लग गई है, तो ब्रेन ऑर्डर करेगा मोटर नर्व्स से कि जल्दी से पैर हटा लो या दवाई लगा लो, है ना, इस तरह से। तो ये नर्व्स हैं, ये देखिए, ये पूरी बॉडी में इस तरह से धागे की तरह फैली होती हैं और स्किन के साथ साथ होती हैं, ये स्किन के साथ चिपकी होती हैं अंदर मोस्टली। और बाकी जो बॉडी के अंदर, पेट के अंदर है, अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनमें भी नर्व्स होती हैं। और इंटर न्यूरॉन क्या होता है, जो दोनों तरह की नर्व्स जहाँ पे कनेक्ट होती है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट हेडिंग है हमारी, रिफ्लेक्स एक्शन, ये क्या होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, अ क्विक रिएक्शन ऑर्डर्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। एक ऐसा रिएक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा दिया जाता है, ब्रेन तक उसका मैसेज नहीं जाता, स्पाइनल कॉर्ड ही उसको बता देती है क्या करना है, ठीक है। और ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है इस रिफ्लेक्स एक्शन में। और जैसे हम सड़क पर चल रहे हैं, चलते 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 सामने अचानक गड्ढा आ गया, तो हम क्या करेंगे कि या तो हम गड्ढे के साइड से निकल जाएंगे, या अगर गड्ढा छोटा है तो हम उसके ऊपर से जंप करेंगे। गड्ढे में जानबूझ के हम पैर तो नहीं डालेंगे ना, हम या तो कूद कर गड्ढे को क्रॉस करेंगे, या फिर बड़ा गड्ढा है तो हम उसके साइड से निकलेंगे और गड्ढे को बचा लेंगे। तो ये जो हमारा तुरंत एक्शन लेने का जो पावर होता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी दिखाई दे रहा है, उसमें ऊपर स्किन है, नीचे रेड कलर की मसल्स बनी हुई है, और राइट साइड में बना है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये हाँ, और इसके जो एग्जांपल क्या है, जो रिफ्लेक्स एक्शन के, ब्लिंकिंग ऑफ आई, पलक झपकना, वाटरिंग ऑफ माउथ, मुंह में पानी आना, कोई खाने की अच्छी चीज़ देखते हैं तो हमारे मुंह में आइसक्रीम देखकर मुंह में पानी आ जाता है, और लीविंग हॉट ऑब्जेक्ट एट वंस, कोई गर्म चीज़ अगर हम पकड़ लेते हैं हम उसको तुरंत छोड़ देते हैं, चाहे वो टूट जाए, गिर जाए, है ना, क्योंकि हमारा हाथ जल सकता है। तो ये इस टाइप के एग्जांपल हैं रिफ्लेक्स एक्शन के, कि अगर हमने कोई चलते चलते या किचन में गए और कोई गरम बर्तन या गरम कुकर रखा है और हमें नहीं पता कि ये गरम है, और हमने उंगली लगा दी, हाथ लगा दिया, तो हम एक झटके से हाथ पीछे कर लेंगे। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल है। अब ये काम कैसे करता है, इस डायग्राम में आप देखोगे ना, तो इसमें आपको कैसे काम करता है, सबसे पहले देखो ये स्किन है, ठीक है, ऊपर जो ब्लू कलर की दिख रही है, वहां से कोई गर्म चीज हमने टच की
तो वो हमारी जो पीठ में स्पाइनल कॉर्ड है वहां गया, एरो जहां जा रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, और ब्रेन ऊपर है, और स्पाइनल कॉर्ड हमें मसल्स को कह रहा है कि जल्दी से हाथ हटा लो, गर्म चीज है उसे मत छुओ, हाथ जल जाएगा, उसे हटा लो। तो ब्रेन तो ऊपर रह गया, और ये स्पाइनल कॉर्ड है ना जो जहां मैंने सर्कल किया, वो वहीं से मैसेज चला जाता है मसल्स को कि जल्दी से हाथ हटा लो नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो इसमें ब्रेन का कोई काम नहीं है, जब तक ब्रेन तक मैसेज भेजेंगे तब तक तो हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो ये स्किन से या किसी भी ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स, हाथ पैर की मसल्स को जाता है। उसके बाद आता है सेंस ऑर्गन, ठीक है। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, हम ये क्लास 3 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 5 सेंस ऑर्गन है। स्ट्रक्चर ऑफ एन आई, अब आँख का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो आईज आर बॉल शेप्ड, स्ट्रक्चर फिक्स्ड इन अ सॉकेट ऑफ स्कल, हमारे सिर में एक गड्ढे में हमारी आँखें लगी होती हैं। कॉर्निया इसका आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो आँख में हमें बाहर की तरफ जो हम पलक झपकते हैं, जो पलक खोलते हैं, आँख खोलते हैं तो सबसे बाहर जो शाइनिंग वाला हिस्सा दिखता है उसको हम कहते हैं कॉर्निया। आप डायग्राम में देख लो, उसमें लेबल किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आयरिस इज कलर्ड पार्ट, आंखों का रंग जिससे डिसाइड होता है उसको आयरिस कहते हैं। किसी की आंखें काली हैं, किसी की भूरी हैं, किसी की नीली हैं, तो ये आयरिस के कलर की वजह से ही आंखों का कलर बनता है, ठीक है। और जो तीसरा पार्ट है वो ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर, आयरिस के जो सेंटर में एक छोटा सा गोला सा होता है उसको प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। और बीच में लगा होता है इसमें लेंस, आपको डायग्राम में दिख रहा है लेंस लेबल किया हुआ। इस लेंस से ही सनलाइट अंदर या किसी चीज की इमेज जब बनती है वो अंदर रेटिना पर बनती है। यहाँ डायग्राम ध्यान से देखो, रेटिना जो लिखा हुआ है पीछे की साइड में, गोले के पीछे की साइड में, वो स्क्रीन की तरह काम करता है, पर्दा, ठीक है। तो कोई भी चीज जब हम देखते हैं तो उसकी लाइट सामने से आंखों में ऐसे घुसती है, ये देखो ऐसे घुस रही है, और पीछे जाके रेटिना पे टकराती है और रेटिना पे एक इमेज बन जाती है। उस इमेज को हमारा दिमाग पढ़ता है और बताता है कि ये क्या चीज है, ठीक है। अभी देखो हम वर्किंग भी बताते हैं आपको आई की। तो रेटिना इज लाइक अ स्क्रीन एंड कनेक्टेड विद द ऑप्टिक नर्व, ये रेटिना ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड, ऑप्टिक मतलब आंखों की जो नर्व होती है उससे कनेक्टेड होता है। इमेज फॉर्म्ड अपसाइड डाउन, जो हमारे रेटिना पर इमेज बनती है किसी चीज की वो उल्टी बनती है। आप कहोगे उल्टी, फिर हमें सीधा कैसे दिखता है, ठीक है। देखो ये डायग्राम देखो, इसमें हम आपको ध्यान से देख के समझाते हैं कि ये आप आंख के अंदर देख रहे हो उल्टा उल्टा लड़का बना हुआ है ना। ये देखो एक्चुअली में लड़का कैसा है, ये सीधा, और हम हमारी आंख ने उसको देखा और आंख के अंदर उसकी इमेज बनी उल्टी, ये देखो उल्टा बना है, पैर ऊपर सिर नीचे। और फिर ये यहां से ब्रेन के पास, ये जो ऑप्टिक नर्व है ना पीछे नर्व लगी हुई है धागे जैसी, ये ब्रेन के पास ले जाती है इस उल्टे को, दिमाग उसको सीधा करता है, पलटता है और उसको सीधा बना के दिखा देता है कि ये देखो ये लड़का ऐसा है, ठीक है। इमेज सीधी होती है लेकिन आंख के अंदर उल्टी बनती है और दिमाग उसको फिर सीधा करता है, पलट देता है। इस तरह से हमारी आंखें देखती हैं। अब है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, ईयर कान के 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। आउटर ईयर क्या करता है, जो भी साउंड है उसको कलेक्ट करता है। मिडल ईयर क्या करता है, इसमें छोटी छोटी 3 हड्डियाँ होती हैं जो साउंड को अंदर की तरफ पास करती हैं। और इनर ईयर क्या करता है, एक इसके अंदर इनर ईयर में एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड भरा होता है जो बैलेंस करता है, और उसमें कॉकलिया नाम का एक पार्ट पड़ा होता है जो कि इनर ईयर से साउंड को ब्रेन की तरफ भेजता है कि कोई गाना हम सुन रहे हैं, कोई पोयम सुन रहे हैं, तो ब्रेन उसको समझ जाता है, उसको एंजॉय करता है ना, और उसको पता रहता है कि हम अब किसी टीचर ने कहा बच्चे से कि टेबल सुनाओ, है ना, तो ब्रेन उसको समझता है और मुंह को ऑर्डर करता है कि टेबल सुनाओ। अब ये फंक्शन है यहाँ पर, ये ईयर का कैसे काम करता है ईयर, तो ये डायग्राम है उसका। तो देखो आउटर ईयर है, साउंड को कैच कर रहा है और मिडल में भेज रहा है,
मिडिल ईयर में वो होती है, तीन छोटी छोटी सी बोन्स हैं और वो साउंड को इनर ईयर में भेजती हैं। और कॉकलिया, ये है कॉकलिया, ये गोल सा जो पार्ट है, ठीक है, ये कॉकलिया ब्रेन के पास उस साउंड को भेजता है और ब्रेन बताता है कि ये क्या साउंड है, ये कोई आपसे जो बोल रहा है, आवाज आ रही है, वो क्या है, उसका मतलब क्या है। तो मतलब बताता है ब्रेन, ठीक है। इस तरह हमारा कान, दोनों कान, दोनों कानों में सेम प्रोसेस रहता है, राइट से भी और लेफ्ट से भी, दोनों तरफ से साउंड कलेक्ट होके ब्रेन में जाता है। फिर आता है हमारा फंक्शन ऑफ नोज, ब्रीद, वी ब्रीद एंड स्मेल थ्रू द नोज, हम नाक से सांस लेते हैं और सूंघते हैं। स्पेशल नर्व्स प्रेजेंट इन द नोज, नाक के अंदर कुछ स्पेशल नर्व लगी होती हैं, धागे जैसे, तार जैसे लगे होते हैं, जो सूंघने में मदद करती हैं, है ना, जो स्मेल है उसको ब्रेन तक भेजते हैं। तो ब्रेन बताता है कि ये अच्छी खुशबू है या ये गंदी बदबू है। ब्रेन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय स्मेल, और फिर ब्रेन उस ऑब्जेक्ट को पहचानता है। अगर गंदी है, बदबू आ रही है कहीं से, तो ब्रेन कहता है अरे ये तो बहुत गंदी बदबू है, नाक बंद कर लो या उस जगह से हट जाओ। डस्ट एंड जर्म्स पार्टिकल आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द एंटरिंग अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय द हेयर प्रेजेंट इनसाइड द नोज, नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जो डस्ट पार्टिकल को रोकते हैं जो हमारे लंग्स में ना जाए, ठीक है। और ऐसी जो खुशबू होती है फूलों की, उसकी खुशबू से हमारी नाक बड़ी खुश हो जाती है, ब्रेन खुश हो जाता है। फिर है फंक्शन ऑफ टंग, टंग इज द मेन ऑर्गन ऑफ टेस्ट, सबसे पहला काम तो है टेस्ट करना। इट ऑल्सो हेल्प इन स्पीकिंग, बोलने में भी मदद करता है। कैसे मदद करता है बोलने में टंग? आप कुछ वर्ड्स बोलोगे ना, जैसे हिंदी के आप वर्ड्स बोलोगे, शब्द अक्षर बोलोगे, त त, तो आपकी टंग जाके दांत में टकरा रही है, थ त थ, द ध न, है ना। तो इन सब वर्ड्स को बोलने में आपको अल्फाबेट बोलने में आपको जीभ का इस्तेमाल करना पड़ता है जो दांत से टकराती है। अगर आप जीभ को पकड़ लोगे तो त थ द ध नहीं बोल पाओगे। फिर है देयर आर मैनी टेस्ट वर्ड ऑन द टंग दैट टेल्स अ स्वीट्स, सॉल्टी, सोर एंड बिट्टर, ये चारों टेस्ट हमें बताती है जीभ, और उस पर हजारों टेस्ट बड लगी होती हैं जीभ के ऊपर। कितनी होती हैं? 2000 से लेकर 8000 टेस्ट बड्स होती हैं हमारी टंग पर। और यहाँ पे राइट साइड में जो डायग्राम बना है उसमें आप देखो अलग अलग टेस्ट करने के लिए जोन बने हुए, तो उसमें बिटर का गले के पास होता है बिल्कुल पीछे, सोर खट्टा साइड में होता है, और नॉट मैनी टेस्ट बट बीच बीच वाले जो पोर्शन में बहुत ज़्यादा बर्ड्स नहीं होती, कम रहती हैं, और जो बिल्कुल आगे वाला पोर्शन है पिंक वाला, उसमें स्वीट एंड सॉल्टी दो तरह के टेस्ट आते हैं। तो आप इसको कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, है ना, जीभ पे रख रख के आप खाने की चीज़ें देख सकते हो, खट्टी मीठी ऐसी चीज़ें ले लो। फंक्शन ऑफ स्किन, स्किन इज आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी, हमारी पूरी बॉडी के बाहर स्किन लगी होती है। स्किन कंटेन नर्व एंडिंग विच डिटेक्ट टच, हीट, पेन, प्रेशर। स्किन से ही हमें पता चलता है गर्मी है, सर्दी है, दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, है ना, कोई छू रहा है हमें या नहीं छू रहा, ये सब हमें स्किन से पता चलता है। और स्किन में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से वेस्ट निकलता है पसीने के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, है ना, स्वेट यानि पसीना। तो पसीने के रूप में इन छेदों से ही निकलता है वेस्ट, जो बॉडी का जो वेस्ट लिक्विड होता है, ठीक है। अब लास्ट में एक एक्सरसाइज है, इसमें बहुत छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव टाइप इजी वाले क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, उनको आप आंसर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, है ना, और पूरे ऊपर वाले लेसन से ही कनेक्टेड है, इसलिए मैं इसको बताऊंगी नहीं, आप खुद करो इसको, तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा और लेसन समझ में आया होगा, मुझे लगता है अच्छी तरह से समझ आया होगा। फिर हम
एक और नए लेसन के साथ आपसे मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे, साइंस का एक और लेसन पढ़ेंगे हम। मैं मधु शर्मा तो आपसे जल्दी ही मिलूंगी और हम फिर आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। अगर आपको कोई ख़ास लेसन पढ़ना है, समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये वाला लेसन मुझे समझाइए। तो फिर मिलते हैं आपसे। ओके, बाय बाय।